हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज, आज की हमारी ट्रेन जानकारी, हाल ही में चलाई जाने वाली हरिद्वार भावनगर टर्मिनस वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की है, जिसका ट्रेन नंबर 19272 है। यह ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को सुबह 5 बजे रवाना होती है और भावनगर टर्मिनस गुरुवार को दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है। यह ट्रेन 34 होल्ड के साथ 1574 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की है। यह एक्सप्रेस टाइप ट्रेन है जिसको वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह ट्रेन आईसीए ब्रेक के साथ चलती है और इस ट्रेन में जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, एसएलआर कोच लगे हुए हैं और इस ट्रेन का लोको रिवर्सल 2 जगह पर किया जाता है, पहला धूरी जंक्शन पर, दूसरा हिसार जंक्शन पर। और इस ट्रेन की आरक्षित टिकट की बात की जाए तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भावनगर टर्मिनस के बीच स्लीपर क्लास का टोटल किराया 640 रुपये है, जिसमें से बेस फेयर 620 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। और इस ट्रेन का हरिद्वार से भावनगर टर्मिनस तक थर्ड एसी का टोटल किराया 1705 रुपये है, जिसमें से बेस फेयर 1583 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, GST 82 रुपये है। और इस ट्रेन का हरिद्वार से भावनगर टर्मिनस तक सेकंड एसी का टोटल किराया 2470 रुपये है, जिसमें से बेस फेयर 2302 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये, GST 118 रुपये है। और इस ट्रेन का अपडेटेड किराया आप IRCTC की वेबसाइट या रेलवे के टिकट काउंटर पर जाकर ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए देखते हैं ट्रेन हरिद्वार से भावनगर टर्मिनस के बीच में कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर रुकती है और उनका अराइवल और डिपार्चर टाइम क्या रहता है। यह ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को सुबह 5 बजे रवाना होती है और इस ट्रेन का फर्स्ट होल्ड रुड़की रेलवे स्टेशन पर 5:51 पर है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 5:53 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सहारनपुर जंक्शन 6:55 पर पहुंचती है, 10 मिनट के स्टॉप के बाद 7:05 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन पर सुबह 8:30 पर पहुंचती है, 5 मिनट के स्टॉप के बाद 8:35 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन राजपुरा जंक्शन पर 8:58 पर पहुँचती है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 9 बजे रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन पटियाला रेलवे स्टेशन पर 9:32 पर पहुंचती है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 9:34 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन धूरी जंक्शन पर 10:55 पर पहुंचती है, 30 मिनट के स्टॉप के बाद 11:25 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सोनम उधम सिंह वाला रेलवे स्टेशन पर 12:04 पर पहुँचती है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 12:06 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन झाकल जंक्शन पर 12:48 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 12:51 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन हिसार जंक्शन पर दोपहर के 2:30 पर पहुंचती है, 30 मिनट के स्टॉप के बाद 3 बजे रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन सादुलपुर जंक्शन पर शाम के 4:05 पर पहुंचती है, 10 मिनट के स्टॉप के बाद 4:15 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन चूरू जंक्शन पर शाम के 4:55 पर पहुंचती है, 10 मिनट के स्टॉप के बाद 5:05 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन रतनगढ़ जंक्शन पर 6:15 पर पहुंचती है, 5 मिनट के स्टॉप के बाद 6:20 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर 6:53 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 6:56 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन लाडनू रेलवे स्टेशन पर 7:06 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 7:09 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन डिडवाना रेलवे स्टेशन पर 7:31 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 7:34 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन छोटे खाटू रेलवे स्टेशन पर रात के 8:01 पर पहुंचती है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 8:03 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन डेगाना जंक्शन पर रात के 8:47 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 8:50 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रात के 11 बजे पहुंचती है, 10 मिनट के स्टॉप के बाद 11:10 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन समदड़ी जंक्शन पर 12:50 पर पहुंचती है, 5 मिनट के स्टॉप के बाद 12:55 पर रवाना होती है। इसके बाद यह ट्रेन
मोकलसर 1:17 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 1:20 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन जालौर रेलवे स्टेशन पर 1:34 पर पहुंचती है, 3 मिनट के स्टॉप के बाद 1:37 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन मोदरन रेलवे स्टेशन पर 2:24 पर पहुंचती है, 3 मिनट की स्टॉप के बाद 2:27 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन मारवाड़ भीनमाल रेलवे स्टेशन पर 2:37 पर पहुंचती है, 3 मिनट की स्टॉप के बाद 2:40 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन धनेरा रेलवे स्टेशन पर 3:49 पर पहुंचती है, 2 मिनट की स्टॉप के बाद 3:51 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन भीलड़ी जंक्शन पर 5:20 पर पहुंचती है, 10 मिनट की स्टॉप के बाद 5:30 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन पाटन रेलवे स्टेशन पर 6:25 पर पहुंचती है, 2 मिनट की स्टॉप के बाद 6:27 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन महसाना जंक्शन पर 7:20 पर पहुंचती है, 2 मिनट की स्टॉप के बाद 7:22 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन विरमगाम जंक्शन पर 8:23 पर पहुंचती है, 2 मिनट की स्टॉप के बाद 8:25 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सुरेंद्र नगर गेट 9:31 पर पहुंचती है, 1 मिनट के स्टॉप के बाद 9:32 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन लिमड़ी 9:52 पर पहुंचती है, 1 मिनट के स्टॉप के बाद 9:53 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन बोटाद जंक्शन पर 10:30 पर पहुंचती है, 2 मिनट के स्टॉप के बाद 10:32 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन धौला जंक्शन पर 11:05 पर पहुंचती है, 1 मिनट के स्टॉप के बाद 11:06 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन सीहोर जंक्शन पर 11:30 पर पहुंचती है, 1 मिनट के स्टॉप के बाद 11:31 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन भावनगर पारा 11:54 पर पहुंचती है, 1 मिनट के स्टॉप के बाद 11:55 पर रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप भावनगर टर्मिनस दोपहर के 12:45 पर पहुंचती है। आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई हरिद्वार से भावनगर टर्मिनस के बीच चलने वाली नई वीकली एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी एक नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय।